keep Barunji quiet yourself, you from know. Bangalore. And this guy is from? Hey, German guy. Can you say something? And he is busy in his phone. And ये है भैया from Kerala. और भाभी जी कहाँ से? भाभी जी लुधियाना से. हाँ. तो आप लोग कैसे मिले? एक साल के पहले. English ना बोलते. Yeah, we met like before one year. Where in India or? In India. Okay. So good morning guys, ये है नेपाल टूरिज्म बोर्ड जो कि पोखरा आपका गंडकी प्रोविंस का है ये ऑफिस. तो यहाँ से मिलता है आपको ट्रैकिंग के लिए परमिट लेना पड़ता है. आइदर आप ले सकते हैं काठमांडू का जो टूरिज्म बोर्ड ऑफिस है वहाँ से भी ले सकते हैं. बाय बस आपको आना पड़ेगा शहीद चौक और शहीद चौक से राइट हैंड साइड लगभग 200 मीटर आएंगे तो यहाँ पे नेपाल टूरिज्म बोर्ड ऑफिस है. ये अमित राजस्थान से है, जयपुर से. नमस्कार. और ये मुझे अपने हॉस्टल में मिले, कल आए हैं तो यहाँ पे पोखरा में एक दो दिन रुक के फिर काठमांडू की तरफ चलेंगे. नेपाल का सेल रोड से ट्राई कर रहे हैं नेपाली फूड. सो गाइस, ये है पोखरा का लेक यार्ड और यहाँ पे आपको ये वाला जो काउंटर है ये है आपका रेंटल, मतलब प्राइवेट, ये आप रेंट कर सकते हैं. यहाँ पे रेट पर डे का 5,500 और लेकिन इसके आगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा रहता है फैसिलिटी तो वहाँ से मतलब देखना पड़ेगा, मतलब 100 या फिर 150 समथिंग होगा पर पर्सन. और अंदर एक टेम्पल है मतलब लेक के अंदर, तो वहाँ तक चलते हैं. रेस्टोरेंट और मतलब स्नैक्स का भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे गोलगप्पे इधर मिलते हैं, झालमुड़ी. तो गाइस ये है आपका टिकट काउंटर, तो यहाँ जाके आपको 100 रुपये में मिल जाएगा आने जाने का. तो वो अंदर है, पानी के बीचों बीच है मंदिर. हाँ. और ये है बोट, और बोट वाले को देना पड़ेगा 90 रुपया. ओके. ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का. तो ये था गणेश जी का मंदिर. ड्रिंकिंग वाटर का भी फैसिलिटी है और इधर बैठने के लिए ये कुछ इंतज़ाम यहाँ का. और यहाँ पे है नो स्मोकिंग जोन और ये है मेन टेम्पल. ये एक रेस्टोरेंट है जो कि एक ओल्ड प्लेन मॉडिफाई किए हैं. पोखरा यूथ हॉस्टल वहाँ से लगभग ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये रेस्टोरेंट. और इधर हम लोग आते हैं खाना खाने और आज मेरा लास्ट इवनिंग है यहाँ पे. और ये है पीपी लोकल रेस्टोरेंट.